नमस्कार दोस्तों, आप सामने जो गाड़ी देख रहे हैं वो है टाटा की न्यू लॉन्च नेक्सॉन फेसलिफ्ट प्योर मॉडल। उसका कलर भी है प्योर ग्रे। चलिए सबसे पहले इसका इंजन खोल के दिखाता हूँ। ये है दोस्तों 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन। ये मेरी गाड़ी है डीजल, जो कि जिसका पावर है 113 BHP और जिसका मैक्सिमम टॉर्क है 260 Nm। ये इस तरह से इसका इंजन कुछ दिखता है। अब देखते हैं इसकी चाबियाँ। ये है दोस्तों इसकी चाबी, दो तरह की आती है। एक आती है इस तरह से फ्लिप की और स्मार्ट की तरह, और एक है इसकी सिंपल की, जिसमें तीन ऑप्शन है। एक है लॉक अनलॉक और फॉलो मी हेडलैम्प। ये हेडलैम्प इस तरह से चालू होता है, आपकी गाड़ी कहीं भी दूर खड़ी है तब भी आपको दिखाई देगी, और इसी से आप बूट भी ओपन कर सकते हो। वो वीडियो में आप हम आगे देखेंगे। फ्रंट से शुरू करें तो बीच में ही आपको एक ब्लैक पियानो की तरह की ग्रिल दिखाई देगी, जो कनेक्टेड लगती है आपको यहाँ से लेके पूरी की पूरी यहाँ तक जाती है। यहाँ पे LED DRL दिए हुए हैं दोस्तों, और इसी में ऑप्शन है इंडिकेटर का, दोनों में इसी में ऑप्शन आता है। कंप्लीट इसके नीचे है आपको LED हेडलैम्प मिल जाएंगे, जिसमें लो बीम और हाई बीम दोनों में इसमें दिए हुए हैं, और नीचे फॉग लाइट का फॉग लैम्प आप लगा सकते हो आफ्टर मार्केट। यहाँ पर एरोडायनामिक शेप बनाया हुआ है। इसके इसका बम्पर की बात करें तो बिल्कुल रफ ब्लैक में दिया हुआ है, और यहाँ पे नीचे हनीकॉम की पैटर्न मिल जाएगी आपको, नीचे भी कम्प्लीटली ब्लैक है। अब करते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की बात। यहाँ पे आपको क्लैडिंग मिल जाएगी ब्लैक कलर की, जो पूरी की पूरी पीछे तक जाती है। बात करें टायर की, तो यहाँ पे गुडियर कंपनी के टायर दिए हुए मुझे 195 16 R16 इंच के। स्टील रिम मिलेंगे आपको, अलॉय व्हील नहीं मिलेंगे, और उसके साथ भी आपको व्हील कवर मिल जाएगा। बात करें अब ORVM की, पियानो ब्लैक फिनिश में आपको ORVM मिल जाता है, उसके अंदर ही आपको टर्न इंडिकेटर दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको मैन्युअली फोल्ड करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकली फोल्ड ऑप्शन नहीं है। इलेक्ट्रिकली सेल्फ और सेल्फ एडजस्टेबल ऑप्शन दिया हुआ है अंदर की तरफ। यहाँ पे एक ब्लैक स्ट्रिप दी हुई है जो लास्ट तक जाती है दोस्तों। डोर हैंडल की बात करें तो रफ ब्लैक में दिए हुए बॉडी कलर के डोर हैंडल आपको नहीं मिलेंगे, और उसके नीचे है दोस्तों ये डोर गार्ड, जो कि आपके डोर के कलर को प्रोटेक्ट करने के लिए, डोर को प्रोटेक्ट करने के लिए या गाड़ी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत काम आते हैं। जब भी आप गाड़ी ओपन करते हो तो इस तरह से अगर कहीं पे धार है तो पहले ये डोर गार्ड सहलेगा, उसके बाद आपके कलर को नुकसान होगा। ऊपर की तरफ बात करें तो रूफ रेल्स भी इसमें मिल जाती हो, और बीच में ही 7 फिन एंटेना लगा हुआ है। बात करते हैं पीछे के लुक की दोस्तों, तो यहाँ पर ऊपर से शुरुआत करते हैं। तो एक स्पॉइलर दिया गया है, इसके नीचे आपको ऊपर के मॉडल में यहाँ पे वाइपर है लेकिन इसमें नहीं है, सिंपल सा। ये है LED टेल लैम्प जो बीच में है, वो है पट्टी, आपको इंडिकेटर दिया हुआ है, और नीचे की तरफ भी टेल लैम्प है। ये बहुत ही अट्रैक्टिव सा लुक है दोस्तों, इसमें भी डिज़ाइन बनाई गई है। और ये बीच में जो कनेक्टेड टेल लैम्प का आप देख रहे हो स्ट्रिप पूरी की पूरी, ये खाली रहती है, लेकिन ऊपर के मॉडल में इसमें भी लाइट होती है। नीचे की तरफ बात करें तो ये रिवर्स पंख की, लेकिन ये चालू नहीं है, उस तरफ का ही चालू है। यहाँ पे कॉस्ट कटिंग की गई है दोस्तों। ये है नीचे की तरफ रिफ्लेक्टर, और सिंपल सा ये भी रफ ब्लैक में है, और इसमें भी डिज़ाइन देखिए दोस्तों। गाड़ी को आप देखेंगे पीछे से आगे से बहुत ही बढ़िया लुक देती है। दो रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको दिए गए, सिर्फ और सिर्फ कैमरा का ऑप्शन नहीं है। अगर आप कैमरा लगाना चाहते हो तो यहाँ पर ऑप्शन आफ्टर मार्केट आप लगा सकते हो। और पीछे से कुछ ऐसा इसका लुक दिखता है दोस्तों। अब मैं बात कर रहा था चाबी से बूट को ओपन करने का। ये जो फॉलो मी हेडलैम्प का जो बीच वाला बटन है उसको प्रेस करके रखिए, ये देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारा बूट ओपन। और अंदर की तरफ से कर सकते हैं, वो भी अंदर जाके दिखाते हैं दोस्तों। ये बूट स्पेस आप देख सकते हो, यहाँ की तरफ दो हुक, इस तरफ भी दो हुक, और यहाँ पे आप बूट लैंप लगा सकते हो आफ्टर मार्केट। यहाँ पे नहीं रखा हुआ है, ये 12 वाट का चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे दिया हुआ है, और ये दोनों तरफ से आप पुश करके पूरे के पूरे सीट को आप फोल्ड कर सकते हो। 60-40 का ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है, सिर्फ और आपका इमरजेंसी रिफ्लेक्टर। स्पेयर व्हील भी आपको सेम कंपनी का मिल जाएगा और सेम साइज का, और इसके बीच में ये जैक्स के स्पेयर पार्ट पूरा का पूरा। ये हो गया दोस्तों बूट स्पेस। चलिए अब चलते हैं अंदर की प्रोफाइल की तरफ। अंदर की तरफ पीछे से दौड़ देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे भी
ड्यूअल टोन में आपको मिल जाएगा, लेकिन ये पूरा का पूरा प्लास्टिक ही है। यहाँ पे पियानो ब्लैक दिया गया है, और ये पावर विंडो का ऑप्शन, यहाँ पे हैंडल पकड़ने का, और नीचे की तरफ भी आपको बोतल रखने की जगह के लिए और कुछ और सामान एक्स्ट्रा रखने के लिए भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाएंगे, यहाँ पे ट्विटर का ऑप्शन है, लेकिन ट्विटर इसमें नहीं है दोस्तों। बात करते हैं सीट कम्फर्ट की, सीट यहाँ पर आपको मिल जाएगी सॉफ्ट टच वाली, यहाँ पर लेदर सीट ऑप्शन नहीं है, और ये मेरे एंगल से ही फिट है दोस्तों अभी सीट का हाइट। तो चलिए अंदर, ये देखिए दोस्तों, ये मेरी हाइट के हिसाब से ये एडजस्ट है पूरी की पूरी, और फिर भी यहाँ पे कितना नी रूम बच रहा है दोस्तों। अंडर साइड भी बहुत ही अच्छा है दोस्तों, इस तरह से पूरी की पूरी। यहाँ पे भी ये हैंडल दिया हुआ है, जिसके नीचे भी है हुक, यहाँ पे भी हुक मिल जाएगा, इस तरफ भी आपको हुक मिलेगा, और यहाँ पर भी हुक मिलेगा। ये हो गया दोस्तों, यहाँ पर भी आपको एसी वेंट मिल गए, और नीचे की तरफ पावर आउट लिफ्ट का ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। आगे का नज़ारा दिखाता हूँ दोस्तों, गाड़ी कुछ ऐसे दिखती है आगे की। चलिए अब चलते हैं आगे की सीट में, करते हैं ओपन। बात करते हैं डोर की, यहाँ पे आपको सिंपल सा, यहाँ पे भी ड्यूअल टोन में ऑप्शन है, ये है पियानो ब्लैक में, यहाँ पे भी पियानो ब्लैक में आपको ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पर भी आप एक छोटा सा, यहाँ पे जैसे तो हैंडल है, यहाँ पे पूरे के पूरे चारों के चार पावर विंडो के ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ। नीचे की तरफ भी मैसिव जगह है, यहाँ पे दोस्तों एक बड़ी बोतल भी आप आसानी से रख सकते हो, नीचे की तरफ थोड़ा सामान रखते हो, यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर का ऑप्शन है, या नीचे की तरफ स्पीकर दिए गए, ऊपर यहाँ पे है ट्विटर जो आफ्टर मार्केट आप लगा सकते हो। अब दोस्तों बात कर रहे थे यहाँ पे ORVM की, जो कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल नहीं है, आपको मैन्युअली फोल्ड अनफोल्ड करना पड़ेगा। कहते हैं सीट की तरफ दोस्तों, यहाँ नीचे की तरफ ऑप्शन है फ्यूल लिड ओपन का, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है दोस्तों बूट ओपन का, सिंपल से यहाँ पे एक चाबी की तरह, यहाँ पे सिक्के कॉइन होल्डर यहाँ पे आप रख सकते हो। अब चलिए चलते हैं अंदर, ये जो चालू होती है तो इल्यूमिनेटेड लोगो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि है यहाँ पे आपको दिखाई देगा इंजन हीट का ऑप्शन, नीचे की तरफ फ्यूल कितना है वो फ्यूल गेज, यहाँ पे सिंपल सी स्क्रीन दी गई है डिजिटल, जहाँ के ऊपर दर टाइमिंग, और बीच में आता है तीनों मोड के ऑप्शन, और इस तरफ से आपकी स्पीड, और नीचे की तरफ ट्रिप कंक कितनी है वो, यहाँ पे RPM मीटर है। इस तरफ आपको सारे सारे लाइट के ऑप्शन दिए गए हैं, लाइट ऑन ऑफ का, और यहाँ की तरफ आपको मिलेंगे वाइपर के ऑप्शन, इसको सिर्फ और सिर्फ आप क्लीट एडजस्टमेंट कर सकते हो नीचे या ऊपर की तरफ, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं है इसमें। यहाँ पे आप सिर्फ टिकट होल्डर हैं और कुछ नहीं है इसके अंदर, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ मैन्युअली एडजस्टमेंट IRVM है, ये यहाँ पे सिंपल सी 7 इंच की टच स्क्रीन दी गई है दोस्तों, जिसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। और ये स्टेयरिंग की हम बात करें तो सिंपल सा डी कट सेट में दिया गया है, पूरा का पूरा यहाँ पे माउंट कंट्रोल भी इसके ऊपर ही है, यहाँ पे पूरा पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम के, और यहाँ पे स्पीड ऑडोमीटर के, सिंपल सा यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, जो हमारी एसी के कंट्रोल है वो आपको देखने से ऐसा लगेगा कि ये भी ऑटोमेटिक की तरह ही लगते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है हजार्ड लैम्प, और उसके बाजू में जो दिख रहा है वो है बूट ओपन का ऑप्शन, यहाँ से दबाने से बूट ओपन होता है, ये ऑन ऑफ का बटन है चारों के चारों विंडो के, और यहाँ से आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो, और यहाँ से फैन की स्पीड कंट्रोल कर सकते हो, और ये रहे सारे के सारे एसी के ऑप्शन। सिंपल सा बात करते हैं गियर के, 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स आता है इसमें, डीजल गाड़ी है दोस्तों, और इसके बाद यहाँ पे नॉब दिया गया है, यहाँ पे कप होल्डर, और यहाँ पे भी कप होल्डर रॉकस्टार की जगह है, ये है हमारी हैंड ब्रेक यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे आपको कोई आर्म रेस्ट नहीं मिलता है, मुझे बहुत ज़रूरत है और मैं आफ्टर मार्केट इसको लगवाऊंगा। अब बात करते हैं यहाँ पे हम ग्लव बॉक्स की, देखिए दोस्तों मैसिव सा ग्लव बॉक्स बहुत ही ज़्यादा है, और यहाँ पर भी देखिए दोस्तों वाइट कलर की आपको स्ट्रिप मिलेगी, उसके ऊपर ये ब्लैक कलर की डिज़ाइन है आपको दिख रही होगी, बहुत ही प्रीमियम सा लुक इसमें निकल के आता है दोस्तों। यहाँ पे साइड की तरफ आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपनी फैमिली का, टेक केयर, गुड बाय दोस्तों।